2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में 10 जनवरी को गंगा और गन्ना यात्रा निकालने जा रहे हैं, जिसको लेकर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी गईं। आपको बता दें कि हाल ही में नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद हरिद्वार की सीट पर कांग्रेस की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा हरीश रावत को हरिद्वार की कमान सौंपी जा सकती है, जिसके चलते हरीश रावत ने भी हरिद्वार में 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। वहीं तैयारी के लिए कांग्रेस सेवा दल के राजीव रस्तोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार भगवान राम के सहारे सत्ता में आई थी, अब गंगा को भी हिंदुत्व की भट्टी में झोंकने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गंगा के लिए आया हूँ, तो देख लो आज गंगा का क्या हाल है। देश में गंगा के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है और न ही राम मंदिर पर कोई रास्ता प्रशस्त हो पाया है, इसीलिए हरीश रावत के नेतृत्व में इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। झबरेड़ा से लेकर हरिद्वार की हर की पैड़ी तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस और सेवा दल के कई लोग शामिल होंगे। ये दो मुद्दे इसलिए उठे हुए हैं कि एक तो गन्ना और एक गंगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की राजनीति करने के बाद भारतीय जनता पार्टी गंगा को भी राजनीति की भट्टी में झोंक देने का काम कर रही है। जैसा उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने बुलाया है और मैं चला आया हूँ, सफाई कराऊंगा, कुछ नहीं कराया, अरबों खरबों रुपए का बजट जरूर बनाया है, लेकिन मुझे इस हरिद्वार के 200 किलोमीटर ऊपर और 200 किलोमीटर नीचे गंगा में कोई काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, ना ही हो रहा है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।